गाइस, आज हम क्रिएट करने वाले हैं सर्कल ट्रांजिशन और सर्कल स्ट्रोक ट्रांजिशन टाइटल ओपनिंग और इंट्रो ओपनिंग। इसको आप प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए, म्यूजिक वीडियोस के लिए, टेलीविजन शोज के ओपनिंग के लिए, वेब सीरीज ओपनिंग के लिए बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। दैट्स अप टू यू, दैट्स योर ओन क्रिएटिविटी, बट बहुत सिंपल है। बट इसके अंदर जो प्रोसीजर यूज करने वाले हूँ या फिर जिस प्रॉपर्टी को भी यूज करने वाला हूँ, ज्यादातर इंटरमीडिएट्स और कहते हैं कि बिगिनर्स इसको अवॉइड करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लेयर क्रिएट करके उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनका लॉस है। दूसरी चीज, मेरे ट्यूटोरियल्स हमेशा बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट बेस्ड रहते हैं, जिसको मैं मेरे प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ और रेगुलरली स्क्रीन रिकॉर्डेड होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी एडिट्स नहीं होता है, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो जिसको लगता है कि भाई कॉपीकैट वाला काम वाले यहाँ पे आए हो, तो भाग जाओ इधर से, किसी भी ऐसे फालतू व्यूअर्स की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी चाहे 700 रुपए का कोर्स कर लो या 70,000 का कोर्स कर लो, आप अभी भी वैसी हालत में हो, ना जॉब मिल रहा है ना कुछ काम कर पा रहे हो। एंड आई एम अर्निंग और मेरे स्टूडेंट्स और मेरे साथ रहने वाले सभी अच्छे से मेरे से सीख से आके कमा रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक इलिप्स टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इलिप्स टूल सिलेक्ट करके मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल जनरेट कर रहा हूँ मेरा, शिफ्ट प्रेस करके। ये सर्कल जनरेट हो चुका है और मुझे यहाँ पे फील चाहिए, तो यहाँ पे फील को चूज करता हूँ, कलर सेम वाला यूज करना है तो ओके कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फील अप्लाई कर दिया है गाइस, और मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं स्ट्रोक को यहाँ से नन करके निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सर्कल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इसको पहले तो अलाइन करना है मुझे सेंटर के अंदर, तो लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको अलाइन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं सबसे पहले नाम दे देता हूँ फील आउटर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, एक दूसरा सर्कल क्रिएट करना, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसका स्केल मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर पे। मेरे को मेरा टाइटल एक्शन सेव भी चेक, ताकि मेरे ग्राफिक्स प्रॉपर जगह पे सेटल हो, वो मुझे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसको बना दिया है, ओके डन। अब मैं यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट टूल भी सिलेक्ट करता हूँ और ग्राफिक्स को रेडी करता हूँ यहाँ पे। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ मेरा पहला वर्ड जो है MODER, तो ये मॉडल मेरा पहला वर्ड है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे साइज छोटा कर दिया और इसका पोजीशन मैं चेंज करता हूँ, अलाइन कर देते हैं हम लोग सेंटर के अंदर। यहाँ पे सर्कल के सेंटर पे चाहिए मुझे ये, ठीक है ना। और अब इसका पोजीशन चेंज करूंगा मैं थोड़ा ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक दिस। और इसका एंकर पॉइंट भी क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। फिर से एक बार इसको अलाइन कर देता हूँ मैं, तो ये भाई हो गया है। वापस एक बार इसको पोजीशन चेंज कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे मॉडल का यहाँ पे सेट होना चाहिए। इसका ही मैं अभी डुप्लीकेट करता हूँ और इसका पोजीशन मैं कुछ नीचे की तरफ चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया और इसका वर्ड मुझे चेंज करना है, वो है GADGETS गैजेट्स। तो ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब क्या करना है भाई, ये दोनों चीज यहाँ पे आ चुकी, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं आई थिंक थोड़ा स्केल डाउन मुझे करना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा स्केल कर दिया, तो हाँ भाई दोनों यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं। अब पोजीशन थोड़ा दोनों का एडजस्ट कर देते हैं, तो इसको थोड़ा नीचे की तरफ है तो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलता, तो हाँ भाई ये यहाँ पे थोड़ा सेटल है। थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ तो हाँ भाई ये प्रॉपर दिख रहा है अभी मुझे यहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो सेटल्ड। मॉडर्न गैजेट्स मेरा सेट हो चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है भाई, तो इन दोनों को यहाँ पे थोड़ा क्रिएट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके इनका लेबल चेंज कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन सी चीज से किससे रिलेटेड है। अब जो मेरा फील आउटर वाले दो सर्कल है, तो ये आउटर है और ये जो मेरा सर्कल है वो मैं रहेगा सेंटर सर्कल। ये जो मेरा बड़ा सर्कल है वो मेरा सेंटर सर्कल रहेगा, तो इसका भी कलर मैं चेंज करके कुछ इस हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है। तो लेयर्स के कलर शेडिंग्स देना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ताकि मेरे प्रोजेक्ट पे कोई और काम करे या फ्यूचर में मैं काम करूं, तो मेरे लिए समझना आसान हो कि अभी किसमें क्या हो रहा है। अब क्या करना है, एक और सर्कल मुझे क्रिएट करना है, तो इसका ही मैं डुप्लीकेट सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ। और इसमें क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सर्कल में जाता हूँ और यहाँ पे इलिप्स में जाके मेरे को स्ट्रोक फील नहीं चाहिए, तो मैं फील को यहां से डिलीट कर देता हूँ और एड में जाके मैं स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ। और स्ट्रोक का जो शेड है मुझे चाहिए बिल्कुल यही वाला शेड, तो मैंने ये अप्लाई कर दिया है। मैं मूव टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी क्या करते हैं, इस सर्कल का स्केल थोड़ा मुझे बढ़ाना है तो मैं इंक्रीज करते हुए थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, तो हाँ भाई ये सही हो गया है।
वापस मैं चलता हूँ सर्कल के अंदर, तो ग्राफिक्स क्रिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपकी नीड के हिसाब से क्या करते हो आप ग्राफिक्स को क्रिएट करते हो। यहाँ पे मैं वन वैल्यू अप्लाई करता हूँ, यस यस मेरे लिए सही है। अब इसका नाम है मेरा स्ट्रोक CIR, तो ये भी मैंने नाम दे दिया। और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ पीच कलर में। सेम चीज जो मेरा फील आउटर है उसका भी कलर मेरे को पीच ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों साथ में रहने वाले हैं और रिलेटेड एनिमेशन में जाने वाले हैं आगे जाके। तो भाई ये दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। अब करना क्या है भाई, इस सर्कल को जो मेरा फील आउटर है उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे एनिमेट करना है सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले इसको सोलो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, सोलो कर दिया है। और इसका स्केल भी थोड़ा मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत कम है, तो मैं इसका स्केल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 112 के आसपास। 112 भी कम लग रहा है, तो मैं 130 कर देता हूँ, इट विल बी गुड। फिर लगेगा तो छोटा कर सकता हूँ मैं। अब करना क्या, इसको एनिमेट करना है सबसे पहले। तो इसकी स्केल प्रॉपर्टी एनिमेट करनी है, तो मैं यहाँ पे 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ और यहाँ पे भी इसको की दे देता हूँ। और स्टार्टिंग में इसका वैल्यू कर दूंगा मैं 0। तो ये हो गया। और अब क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं साथ में F9 प्रेस कर देता हूँ। चलता हूँ ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ को चेंज कर देता हूँ इस हिसाब से। तो मेरा ग्राफ इस हिसाब से चेंज हो चुका है। अब इसका पोजीशन भी मुझे चेंज करना है साथ में। तो यहाँ पे पोजीशन जो मैं चेंज कर रहा हूँ, जिस चीज की मैं बात कर रहा था, और मुझे आगे जाके इस सर्कल को क्या करना है, यहाँ पे सपोज इसका एंकर पॉइंट है, तो जो हमारा स्ट्रोक सर्कल बना है उसके बिल्कुल ऊपर मुझे क्या करना है, उसको रोटेट कराना है। यहाँ पे बराबर इसके ऊपर मेरे ये वाले सर्कल को मुझे रोटेट कराना है, ठीक है। तो मैं अगर पोजीशन नॉर्मल लेयर की प्रॉपर्टी के साथ चेंज करता हूँ फिर रोटेट करूंगा, तो ये पेरिफेरी पे रोटेट नहीं करेगा, इस एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। तो मुझे क्या चाहिए, एंकर पॉइंट यहीं पे रहना चाहिए और सर्कल यहाँ पे चला जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मुझे पोजीशन को एनिमेट करना है। तो उसके लिए जो बेस वे है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट इनटू द सेंटर आता हूँ और यहाँ पे हम जो एनिमेट करेंगे वो कंटेंट में जाएंगे, रिलीज़ पाथ 1 के अंदर जो पोजीशन है था उसको एनिमेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे की दे देना है और मैं आगे चलता हूँ कुछ 15 फ्रेम, 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका पोजीशन वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कुछ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे ऐसे सेंटर में उसको सेट करना है, तो हाँ भाई ये प्रॉपर सेट हो चुका है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा मैं, F9 प्रेस करता हूँ, चलता हूँ ग्राफ एडिटर में और उसको भी मैं क्या करता हूँ, कुछ इस हिसाब से मैंने चेंज कर दिया है। तो ये हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है उसके बाद क्या होगा, इसका रोटेशन स्टार्ट होगा। तो अब मुझे रोटेशन प्रॉपर्टी लेयर की चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं चलता हूँ 20 फ्रेम आगे और मैं रोटेट करता हूँ इसको कुछ इस हिसाब से। मैं यहाँ पे इसको रोटेट कर देता हूँ, तो ये मेरा रोटेशन यहाँ पे खत्म हुआ। और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ F9 और वापस ग्राफ एडिटर में चलता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको ग्राफ को एडिट कर देता हूँ। अब जो मेरा स्ट्रोक सर्कल है उसको भी कुछ उसी हिसाब से मुझे क्या करना है, एनिमेट करना है। मुझे क्या करना है, ये सर्कल जैसे यहाँ से रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है, उतना ही इतना एरिया में, जितना एरिया ये ट्रेवल करे उतने एरिया में इस सर्कल का स्ट्रोक विजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ट्रिम पाथ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। ट्रिम पाथ में जाके मैं एंड वैल्यू को यहाँ पे कम करते हुए जाऊंगा जब तक ये यहाँ पे पहुंचता है। तो भाई हाँ, ये 40 वाला वैल्यू मेरे लिए काम कर रहा है बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंड पे की देता हूँ और अब इसका भी यू करके प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ। तो जहां पे इसका रोटेशन एंड हुआ है वहीं पे इसका ये एंड होना चाहिए बराबर। और स्टार्टिंग पे चला आता हूँ और यहाँ पे इसका स्ट्रोक वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ट्रिम पाथ का एंड वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। अब वापस इस दोनों की इसको सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं ग्राफ एडिट चेंज ग्राफ को चेंज कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से ग्राफ एडिट में आके, तो ये भी एनिमेट हो चुका है। तो अब अगर इसको मैं प्ले करता हूँ गाइस, तो आप देखोगे कि भाई इस हिसाब से कुछ हमारा एनिमेशन जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत ही बेटर तरीके से हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो अब जैसे ये दोनों हो चुके ना, जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है और स्टार्ट होता है, बट जैसे ही यहाँ पे पहुंचता उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए, मेरा सेंटर वाला सर्कल भी, तो इसका भी हम क्या करेंगे भाई, इसका यहाँ से यहाँ पे जाने का ट्रैवलिंग प्रोसीजर था जो स्ट्रोक सर्कल हमारा फील सर्कल है, तो उसका यू करके ओपन करते हैं। यहाँ पे ये ट्रैवल कहाँ से इसका स्टार्ट करता है, यहाँ से बराबर है। तो उसी टाइम पे क्या करना है, इस सर्कल का भी मेरे को स्केल प्रॉपर्टी ओपन करना है। मैंने यहाँ पे की दे दिया है और चलता हूं मैं कुछ यहाँ पे, थोड़ा पीछे की तरफ रहेंगे हम लोग, ज्यादा एग्जैक्ट सेम टाइम पे मैं इसको खत्म नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी की दे देता हूँ और वापस चला जाते फर्स्ट की के ऊपर, यहाँ पे वैल्यू कर देंगे 0। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं प्रेस कर देता हूँ F9 और वापस सेम तरीके का ग्राफ एडिट कर रहा हूँ ग्राफ एडिट में आके। तो ये भी हो गया। तो अब अगर एनिमेशन इसका देखो तो हाँ भाई, तो ये प्रॉपर ओके कुछ पंगा, अच्छा हाँ मैं इसको रिवील नहीं किया। तो अब देख सकते हो आप इसका एनिमेशन
अब क्या होगा, ये बड़ा होगा कुछ हिसाब से, जैसे खुद सर्कल उसको क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है, तो दैट इज द बैड थिंग, गुड थिंग, बट इसको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा इसकी को, तो मैं यहाँ पे हल्का सा पीछे लेता हूँ, हाँ भाई उसके बाद स्टार्ट होना चाहिए, जैसे पॉपअप हो उसके बाद वो वाला स्टार्ट होना चाहिए, तो दैट्स गुड वन। तो यहाँ पे ये भी हमारा हो चुका है, अब मुझे क्या करना है भाई, बैटर है ये वहीं पे सही लग रहा था मेरे हिसाब से, तो मैं उसको बैक वहीं पे रख देता हूँ, ठीक है गुड। अब मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों का मुझे दूसरा भी एक चाहिए, ये बन रहा है तो इसका सेम वाला चीज मुझे इस तरफ भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी करता हूँ, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ फिल प्लस स्ट्रोक आउटर, बराबर ये मेरा एक कॉम्प बन गया, मैं यहाँ पे दे देता हूँ और इसका मैं एक डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर ट्रांसफॉर्म में चलता हूँ, पहले फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ, फिर से जाऊंगा ट्रांसफॉर्म के अंदर और मैं अब कर दूंगा फ्लिप वर्टिकल। तो हाँ भाई अब अगर एनिमेशन देखोगे तो हाँ भाई ये बहुत ही बेटर तरीके से क्या हो रहा है, रिवील हो रहा है, बट अब मुझे क्या करना है, मेरा टेक्स्ट रिवील करना है यहाँ पे गाइस। तो जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से मुझे क्या करना है, ये जो मेरा जो टेक्स्ट है उसको मुझे क्या करना है, रिवील करना है। तो इसका मैं स्केल प्रॉपर्टी ओपन कर रहा हूँ और साथ में मैं पोजीशन प्रॉपर्टी भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो लेयर को रिवील करना पड़ेगा, तो मैंने सोलो कर दिया है। अब मैं दोनों की स्केल प्रॉपर्टी और पोजिशन प्रॉपर्टी की की दे देता हूँ और उन दोनों को मैं लेके चलता हूँ पीछे की तरफ, ड्रैग कर देता हूँ कुछ यहाँ पे, और स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, तो मैंने एंकर पॉइंट यहाँ पे देखो जहां पे भी सेट मैं वहीं पे रख रहा हूँ, मुझे वियर्ड सा ही एनिमेशन चाहिए, परफेक्ट नहीं चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, इन दोनों का स्केल यहाँ पे जीरो करता हूँ, बराबर है, और पोजीशन इसका वाला थोड़ा नीचे की तरफ लेके चलता हूँ यहाँ पे, सॉरी नॉट गैजेट वाला का, मेरे को ऊपर लेके जाना है पोजीशन, तो गैजेट वाले का पोजीशन मैं कुछ यहाँ पे ऊपर लेके चला हूँ और इसका पोजीशन मैं कुछ यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा एनिमेटेड प्रॉपर्टीज को और मैं F9 करता हूँ, ग्राफ एडिट में चलता हूँ और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कुछ उनका ग्राफ इस हिसाब से। तो भाई ये डन हो चुका है, तो अब ये रिवील किस हिसाब से हो रहे हैं, तो देखो कुछ इस हिसाब से ये दोनों क्या होंगे, रिवील हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट डन है, यहाँ से सारा सोलो हटा देते हैं ताकि सब कुछ क्या हो जाए, रिवील हो जाए, यहाँ से टाइटल एक्चुअल सेव भी हटा देते हैं एक बार। दूसरा चीज मोशन ग्राफिक्स के अंदर मोशन ब्लर अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, ये सारी प्रॉपर्टी को मोशन ब्लर अप्लाई कर दिया, अब एक बार एनिमेट करके देख लेते हैं हम लाइव। तो आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा इंट्रो रिवील हो रहा है यहाँ पे। आप साथ में एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक ऑपेसिटी इसके ऊपर लगाता हूँ, एक ऑपेसिटी का की यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में कर देता हूँ 100%, और एनिमेशन यहाँ पे जाते हुए जा रहा है तो मैं यहाँ पे एंड तक करते हुए इसको क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ वैल्यू। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है एनिमेशन मेरा, सो लेट्स प्ले दिस। आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। दूसरा चीज आप मोशन ग्राफिक्स के ऊपर क्या कर सकते हो, अच्छा खासा ड्रॉप शेडो भी अप्लाई कर सकते हो बेटर लुक के लिए। सो आई होप इस ट्यूटोरियल में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी, कॉम्प्लिकेटेड था, छोटा सा कॉम्प्लिकेशन था, बट बेटर तरीके से हमने जनरेट किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।